Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing good and staying safe. So in today's video, I will be creating this makeup look. So ये है wedding guest makeup look. अगर आपको किसी ने भी अपनी wedding में invite किया है या आप किसी अपने friend के wedding में, cousin के wedding में या अपने relative के wedding में invited हैं और उसके लिए आप confused हैं कि आप क्या makeup करें, कैसे makeup करें, so this one is your go-to video. इसमें मैं बताने वाली हूँ आप एज अ वेडिंग गेस्ट कैसे अपना मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हैं और ईजिली अपने घर पे ही इसको क्रिएट करके आराम से वेडिंग गेस्ट की तरह आप आराम से जा सकते हैं. सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो एंड लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो. सो या विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स डाइव डायरेक्टली इनटू द वीडियो. सबसे पहले जो स्टेप होगा उसमें आपको अपने फेस को अच्छे से प्रेप और प्राइम करना होगा. इसके लिए मैंने जो भी अपना मॉइस्चराइजर, स्किन केयर है वो सब कर लिया है और अब मैं सीधे स्टार्ट करूँगी प्राइमर से. सो फॉर टुडेज वीडियो आई विल बी यूजिंग टू प्राइमर्स. तो यहाँ पे जो मेरे पास दो प्राइमर हैं वो है एक ये इनसाइड का पोर मिनिमाइजर प्राइमर और एक है ये लैकमे का ब्लर परफेक्ट प्राइमर. तो जो सबसे पहले मैं लगाऊंगी वो इनसाइड का प्राइमर लगाऊंगी, थोड़ा थोड़ा सा जहाँ पे भी आपको पोर्स दिखे वहाँ पे आपको अप्लाई कर लेना है. प्राइमर पोर्स को मिनिमाइज करने में बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है और जो भी आपका मेकअप है उसको अच्छे से सेट करने देता है. तो यहाँ पे मैं एक दूसरा प्राइमर भी यूज़ कर रही हूँ जो है लैकमे का और ये है ब्लर परफेक्ट प्राइमर और इसमें थोड़ा सा टिंट भी है जो कि बहुत ही अच्छा रहता है. इसको मैं दिखाती हूँ इट लुक्स, क्योंकि मैंने पहले थोड़ा सा लगा लिया तो इसको भी मैं उसी एरिया में लगाऊंगी जहाँ पे मेरे ओपन पोर्स दिखते हैं और जहाँ पे मुझे स्वेटिंग होती है. सो अब हमारी स्किन अच्छे से तैयार है. अब जो होगा वो मैं पहले आई मेकअप कर लेती हूँ फिर उसके बाद मैं फेस मेकअप पे जाऊँगी ताकि जो भी फॉल आउट्स हो वो हमारा बेस मेकअप ख़राब ना करे. सबसे पहले मैं यहाँ पे लगा रही हूँ कंसीलर जो कि हमारा आई लेड है उसको अच्छे से न्यूट्रलाइज कर देगा ताकि हम कोई भी कलर इस पर अप्लाई करें, कोई भी आई शेडो अप्लाई करें वो अच्छे से उभर के आए. सो लेट्स अप्लाई कंसीलर. टेकिंग द ब्लेंडिंग ब्रश एंड ब्लेंडिंग इट. कंसीलर लगाने के बाद अब इसको आपको सेट करना ज़रूरी है ताकि वो हमारा जो हमने कंसीलर लगाया वो क्रीज ना करे. तो उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ फिटमे का फेस पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर. तो जो हमारी आई है उसका लिड जो है वो मेकअप के लिए तैयार है, उसका बेस तैयार है. अब जो है हम अपना आई शेडो अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं जिसके भी सारे कलर्स उभर के हैं. सो नाउ टेकिंग माई फेवरेट आई शेडो पैलेट और मैंने एक ब्रश ले लिया है जो कि थोड़ा फ्लफी है जो कि बेस के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा. सो लेट्स बिगिन. सबसे पहले मैं यहाँ पर लेने वाली हूँ बेस, थोड़ा बेस के लिए थोड़ा ब्राउनिश शेड में लेने वाली हूँ. सो लेट्स अप्लाई डैबिंग द एक्स्ट्रा. Taking the golden to enhance my eyelid. इसको सेंटर में लगाएंगे, सेंटर ऑफ द आईलिड डिपॉजिट करना है बस डैप डैप करके. Now taking the brown on the outer corner to give it a smoky look. Removing the fallouts. अब लगाएंगे लाइनर. तो मेरे पास यहाँ पे है लिक्विड लाइनर जिसको मैं अप्लाई करूँगी अच्छे से, विंग लाइनर मैं क्रिएट करूँगी. अब लाइनर लगाने के बाद नेक्स्ट स्टेप है मस्कारा. तो यहाँ पे है मेरे पास वाटरप्रूफ मस्कारा और वेडिंग्स के लिए वाटरप्रूफ मस्कारा ही ज़्यादा बेटर होता है ताकि आप थोड़ा सा भी स्वेटी या कुछ भी फील करें तो वो बह ना जाए. तो वाटरप्रूफ मस्कारा इज़ द बेस्ट. मस्कारा लगाने का सबसे अच्छा तरीका आपने मस्कारा ले लेना है फिर अपने आईज़ को ऐसे पकड़ना है और ऊपर की तरफ खींचना है फिर अच्छे से अपने लैशेज पे अप्लाई कर लेना है. और नीचे की लैशेज को कभी भी नहीं भूलना चाहिए क्योंकि इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. तो आई मेकअप इज़ डन, आप देख सकते हैं. सो क्योंकि आई मेकअप कंप्लीट हो गया है तो अब बारी आती है बेस मेकअप की, अपने फेस के मेकअप की. तो सबसे पहले हमने प्राइमर तो कर ही लिया है, अब बारी आती है फाउंडेशन की. फाउंडेशन क्योंकि वेडिंग है तो थोड़ा अच्छे से लगना चाहिए पर इतना ज़्यादा भी नहीं लगना चाहिए कि बहुत ही केकी और मैसी सा लगे. अब इसको अच्छे से ब्लेंड करना है.
उसी सेम ब्रश से अब हम नेक पे भी अप्लाई कर लेंगे। फिर इसको थोड़ा नेचुरल फिनिश देने के लिए आपको कोई भी ब्यूटी ब्लेंडर लेना है और अच्छे से ब्लेंड कर देना। नाउ अगेन कमिंग टू द प्राइमर, प्राइमर आपको पूरे अंडर आई पे नहीं लगाना है, सिर्फ आउटर कॉर्नर और इनर कॉर्नर पे लगाना है थोड़ा अपलिफ्टेड लुक देने के लिए। इनर कॉर्नर एंड आउटर कॉर्नर पर क्योंकि हमने लाइनर लगाया तो उसको थोड़ा बचा के जहाँ पे भी आपके स्पॉट है वहाँ पे अब इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। अंडर आई के नीचे आपको बहुत संभाल संभाल के करना है क्योंकि ऊपर आपने मेकअप करा हुआ है। कॉर्नर पे अगर आप ऐसे ऊपर लेके जाएंगे तो बहुत ही अच्छा लिफ्टेड लुक देगा आपकी आई को और आपका आई मेकअप भी बहुत ही एनहेंस लगेगा। तो इसका आपको ध्यान रखना है, थोड़ा लिफ्टेड लुक के लिए ऐसे ऊपर साइड करना है, आपको ऐसे स्ट्रेच नहीं करना है, सिर्फ डैप डैप करके लेके जाएंगे। आपको ब्यूटी ब्लेंडर लेके अच्छे से इनर कॉर्नर पे ब्लेंड कर लेना क्योंकि ब्रश उतना इनर कॉर्नर पे जा नहीं पाता तो ब्यूटी ब्लेंडर अच्छे से जाएगा और ब्लेंड हो जाएगा। और कंसीलर सेट करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा यही ध्यान देना कि आपको ऊपर की साइड सीलिंग की साइड देखना फिर सेट करना जिससे क्रीसेस कम आएंगे। सो हाउ वी सेट, दिस इज हाउ वी सेट। फेस पाउडर को हम पूरे फेस पे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे पूरा मैट फिनिश देने के लिए। सो अब आ रही है कॉन्टोर की, तो कॉन्टोर के लिए मैं ये लिपस्टिक थोड़ा डार्क शेड की यूज कर रही हूँ। ये मैंने हैक देखा था कि आप किसी भी मरून लिपस्टिक से अच्छे से कर सकते हैं, सो लेट्स सी होता है कि नहीं। ब्लेंडिंग एंड ब्लेंडिंग क्योंकि मेकअप में ब्लेंडिंग इज द की। आप जितना ब्लेंड करेंगे उतना अच्छा रहेगा, उतनी अच्छी नेचुरल फिनिश आएगी। आई थिंक ये हैक अच्छा काम कर रहा है कि आप लिपस्टिक से भी कॉन्टोर कर सकते हैं। सुना कॉन्टोर डन, अब आ रही आती है ब्लश की। तो यहाँ पे ब्लश के लिए मेरे पास है अर्थ रिदम का लिप एंड चिप टेंट, तो हम इसको अप्लाई। ब्लश लगाने का टेक्निक ये है या आपका जो आईबॉल है उसके सेंटर से जो आपका ये कॉर्नर है आईब्रो का वहाँ तक जाना चाहिए, मतलब इस एरिया में लगना चाहिए, एकदम यहाँ पे नहीं। यहाँ पे अगर आप लगाते हैं तो वो सनबर्न लुक देता है पर क्योंकि नाइट टाइम है तो हमें सिर्फ लिफ्टेड लुक चाहिए यहाँ के लिए। इसको मैं अच्छे से हाथ से ही ब्लेंड करूँगी क्योंकि ये लिप एंड चिक टेंट है, अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। अब टिंट लगाने के बाद आई प्रेफर कि मैं थोड़ा लिपस्टिक वाला जो हैक है वो भी लगाऊं तो उससे और अच्छा आएगा। तो वो जो मेरा शेड था लिप अर्थ रिदम का वो चेरी में था, अब थोड़ा उसमें पिंकिश हम मिक्स कर देंगे। ब्लश डन, तो ब्लश के बाद हम फिर से अपना कॉम्पैक्ट लेके अच्छे से इसको ऑल ओवर द फेस लगा लेंगे ताकि थोड़ा मैट फिनिश आ जाए। तो अब बारी आती है हाईलाइटर की, तो यहाँ पे मेरे पास वेट एंड वाइल्ड का मेगा ग्लो हाईलाइटर, इसको अप्लाई करूँगी मैं अच्छे से। बहुत ही सटल से लुक देता है ये, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा आईब्रो पे भी, क्यूपिड बो पे। और कभी कभी होता है कि हमारा हाइलाइटर बहुत ही पैची लगने लगता है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अपना ब्यूटी ब्लेंडर लेना चाहिए और अच्छे से उसको ब्लेंड करना। क्योंकि ब्रश से क्या होता है वो कुछ कुछ एरिया पे लग जाता है, कुछ कुछ पे नहीं लगता है, जिससे वो पैची लगता है। तो अच्छे से इसको ब्लेंड करने के लिए हमें अपना ब्यूटी ब्लेंडर लेना चाहिए और अच्छे से ब्लेंड कर देना। हाइलाइटर को अपने नेक पे भी थोड़ा थोड़ा अप्लाई कर लेना है। सो अब जो हमारा बचा है वो बचा है लिपस्टिक। तो लिपस्टिक क्योंकि वेडिंग सीजन है तो थोड़ा बोल्ड ही लिपस्टिक अच्छी लगेगी, थोड़ा मरून शेड का यूज़ कर रही हूँ। लिप के लिए भी उसका केयर करना ज़रूरी है, जैसे हम स्किन केयर करते हैं वैसे लिप केयर भी करना ज़रूरी है। तो मैंने इसको पहले स्क्रब कर लिया था, अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया था और अब मैं लगाने जा रही हूँ लिपस्टिक। तो उसके पहले मैं सबसे पहले इसको लिप लाइन करने जाऊँगी। अगर आपको थोड़ा पाउटी लिप्स चाहिए तो जो आपका नेचुरल लाइन है लिप्स का उसे आप थोड़ा ऊपर जाके इसको लाइन करेंगे तो बहुत ही पाउटी लुक आएगा, पर वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन किसको कैसा पसंद है। तो मैं तो अपना नेचुरल लाइन ही फॉलो करना पसंद करती हूँ, सो लेट्स स्टार्ट विद दैट।
लाइनर तो लगा लिया, अब इसमें आपको क्या करना है, एक सेंटर में लाइन खींचनी है, एक ऐसे साइड है और एक इधर साइड है, ऐसे ऊपर भी सेंटर है, फिर ऐसे साइड है, फिर इधर साइड है। नाउ लेट्स अप्लाई द लिपस्टिक। तो यहाँ पे मेरे पास ये लिपस्टिक है फ्रॉम मिस रोज, मैं इसको अप्लाई करूँगी। लिक्विड लिपस्टिक मैं अप्लाई करने जा रही हूँ। लिपस्टिक हो गया है, मेकअप हो गया। अब एक चीज़ जो रह गई है वो है आईब्रो। फटाफट से हल्का हल्का फेदरी लुक दूंगी, ज़्यादा नहीं फिल करूंगी क्योंकि आई डोंट लाइक फिलिंग मच ऑफ माई आईब्रो। नाउ कमिंग टू द फाइनल स्टेप। इस फाइनल स्टेप में आपको क्या करना है, एक मेकअप फिक्सर लेना है और अच्छे से अपने पूरे मेकअप पे स्प्रेड कर लेना है, स्प्रे कर लेना है। सो दिस इज हाउ वी डू, आँखों को बचा के ब्यूटी ब्लेंडर से डैब डैब करके ड्राई कर लेना है। इससे क्या होगा, आपने जो भी मेकअप किया हुआ है लॉन्ग लास्टिंग चलेगा, चाहे कितनी भी देर की वेडिंग हो आराम से आपका मेकअप टिक जाएगा विदाउट एनी टेंशन कि कुछ भी स्मज होगा, कुछ भी नहीं होगा, विदाउट एनी टेंशन आपका मेकअप अच्छे से चलेगा। इंडियन गेस्ट वेडिंग लुक है, इंडियन मेकअप है, इंडियन वेडिंग के लिए है, तो बिंदी को हम कैसे भूल सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास है ये कुछ स्टोन वाली बिंदी जिसको मैं अप्लाई करूँगी और ये आप देखना पूरा लुक ही चेंज कर देगा। सो दिस इज हाउ माई मेकअप टर्नड आउट टू बी। अब मैं आपको दिखाती हूँ अपना फुल लुक विथ हेयर स्टाइल एंड इयर रिंग। सो दिस इज हाउ माई फाइनल लुक टर्नड आउट टू बी। आई होप आपको ये मेरा लुक अच्छा लगा हो। सो लेट्स गो एंड सी द क्लोजअप ऑफ माई मेकअप। मेकअप टर्न आउट टू बी। सो दिस इज हाउ यू कैन प्रेजेंट योर सेल्फ इन सम इंडियन वेडिंग। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ सो देन प्लीज डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।